नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर के पनागर में उत्तर प्रदेश से जिले में लगातार आ रही धान को पकड़ने के लिए आला अधिकारियों ने जगह जगह चेकिंग तो लगा रखी है, पर इसके बावजूद जिले में लगातार ट्रकों के माध्यम से बाहरी धान आ रहा है। इन ट्रक ड्राइवरों की माने तो ये जबलपुर में किसी नमो ट्रेडर्स मिलर के यहाँ जा रही थी। इतनी बड़ी संख्या में बाहर से आई धान को मिलरों के पास से खरीदी कर व्यापारी वर्ग इस बाहरी धान को पुनः मंडी में लाकर किसानों के रजिस्ट्रेशन पर चढ़ाकर धान को शासन को बेच देंगे। पनागर मंडी में ऐसी ही लगभग 2 ट्रक धान जिसे किसान के नाम से चढ़ाई जा चुकी थी, प्रशासनिक अधिकारियों को भनक लगते ही उसे राजसात किया जा चुका है। इसके बावजूद मंडी में इस धान को तुलाई करने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। कल शाम को पुनः अधिकारियों ने 5 ट्रकों में जबलपुर आ रही धान को पकड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मानी तो अभी इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अभी ये सभी ट्रक पनागर रिलायंस पंप के सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। जो भी कार्रवाई है ना, माने जिसने भी रखी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कैसे साबित होगा? तो माने कुछ तो होगा यहाँ पे। लगभग कितने एकड़ का स्टेशन है? भेजी नहीं है मेरी धान, यहाँ रखी हुई है। क्या आपकी किसी व्यक्ति से कोई बात हुई थी धान को बेचने संबंधी या धान के रजिस्ट्रेशन संबंधी? मैंने उनसे, अरे बच्चे से हुई थी बात उनकी, साहू जी की जी। तो वो तो उनने नहीं जी, माने क्यों धान फसली है जी, इस कारण उनने उस भाव से हमसे, माने हमने उनसे कहा था 1600 के भाव, लेकिन कहे थे 1200 के भाव दे दो, हमने नहीं दी। देखो मैं हूँ इसके में समय अंदर कौन सी आ रही, मैं कंप्यूटर में काम करता रहता हूँ। अब मैसेज का जहाँ तक मेरा मतलब, मेरे सामने जो आई है सब मैसेज वाली धान आई है, और जो बिना मैसेज की आई है वो दिख रही है, वो सब वो तो वैसे ही जब्ती हो गई है धान। उसके अलावा हम लोग के द्वारा इस सब्जेक्ट में विपणन सिंह से यही अपेक्षा की जा रही है कि जो ग्रेडर जो होता है वो केवल MSc पढ़कर ही यहाँ ग्रेडिंग करने के लिए ना आए, उसको बकायदे इस धान में FAQ नॉन FAQ की क्या पूरी, मतलब धान की क्या क्वालिटी रहती है या डिसक्वालिटी रहती है, उसकी जानकारी उसको होना चाहिए ग्रेडर को। शासन से नियुक्ति के नियुक्त ग्रेडर की जवाबदारी तो बनती है, साथ में हम लोग भी साथ में देख रेख करेंगे कि कहीं अमानक स्थिति की तौल कर ना हो। जो औचक निरीक्षण किया गया तो यहाँ पे संदिग्ध ढेर रखे थे, तो ऑपरेटर से उनसे पूछा कि किसके पंजीयन के अगेंस्ट में ये ढेर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो संबंधित किसान को हमने दूरभाष पर संपर्क किया, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी जो उपज है वो अभी उन्हीं के घर में रखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये संभवतः किसी ने यहाँ पर, व्यापारी ने डंप कर दिया है और किसी और के पंजीयन के इस्तेमाल करके लगातार पनागर मंडी बेचने का प्रयास किया गया है। तो आज हमारे द्वारा ढेरों को जब्त कर लिया गया है और आगामी निराकरण तक संस्था के सुपुर्द।